धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? हाय, मैंने जो अभी दो श्लोक पढ़े इसका मीनिंग ऐसा है कि जब धर्म नष्ट होता है और अधर्म बढ़ जाता है तभी भगवान विष्णु अपने भक्तों का रक्षण करने के लिए आते हैं। तो मैं आज आपको इसकी ही अच्छी सी स्टोरी लाया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस स्टोरी का नाम है विष्णु जी का नरसिंह अवतार और भक्त प्रहलाद की स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष ये दो बहुत ही ताकतवर स्ट्रॉन्ग मायावी राक्षस थे और वो सब लोगों को परेशान करते थे, सब लोगों को मार डालते थे। और जो हिरण्याक्ष था ना, उसने तो इतना परेशान किया सब लोगों को कि भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष को मार दिया। फिर हिरण्यकश्यप को इतना गुस्सा आया कि अरे विष्णु ने मेरे भाई को मारा, क्यों मारा? और फिर हिरण्यकश्यप ने कहा अब तो मैं इसका बदला लूंगा ही, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं श्री विष्णु को मार डालूंगा। पर हिरण्यकश्यप के पास इतनी शक्ति नहीं थी ना कि उसको विष्णु को मारना। और फिर हिरण्यकश्यपु जंगल में गया, बड़े से पहाड़ पर चढ़ गया और ब्रह्मदेव की उसने घोर तपश्चर्या करने का शुरू किया। तभी हिरण्यकश्यपु की जो वाइफ थी उसके पेट में बच्चा था। अब इंद्रदेव को क्या लगा, अरे ये तो हिरण्यकश्यप का बच्चा है और ये बड़े होकर हमें ऐसा ही परेशान करेगा। फिर इंद्रदेव ने उसको पहले ही मारने का विचार किया। फिर इंद्रदेव ने उस हिरण्यकश्यप के पत्नी को लेकर जा रहा था मारने को। फिर तभी नारद मुनि आ गए और इंद्रदेव को रोक लिया और उन्होंने कहा कि इंद्रदेव क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, ये जो भी बच्चा पैदा होने वाला है वो विष्णु का भक्त होने वाला है। फिर नारद मुनि ने उस पत्नी को लेकर अपने आश्रम में आ गए और उस बच्चे पर गर्भ संस्कार कर लिया और सब नारायण की अच्छी अच्छी स्टोरीज बता लिया। और फिर प्रहलाद का जन्म हो गया और इधर हिरण्यकश्यप की तपश्चर्या भी हो गई थी। और दोस्तों क्या हुआ मालूम है क्या, ब्रह्मदेव हिरण्यकश्यप पर प्रसन्न हो गए और वे हिरण्यकश्यप को पूछे, बोल हिरण्यकश्यप, बोल तेरे को तुझको क्या चाहिए, वर बोल। फिर हिरण्यकश्यप ने कहा, ब्रह्मदेव मेरे को ऐसा वर दीजिए कि मैं कभी मरूंगा नहीं और मेरे को ऐसा वर दीजिए कि मेरा मरण ना दिन में हो ना रात में, मेरा मृत्यु ना शस्त्रों से हो ना अस्त्रों से हो,
ना मेरे को नरनारी मारे ना पशु मारे, ना मेरा मृत्यु जमीन में हो ना आकाश में हो, ना मेरा मृत्यु घर में हो ना बाहर में हो। ऐसा उसने वर ब्रह्मा देव को मांग लिया। फिर ब्रह्मा देव हंसकर कहा, तथास्तु। फिर तभी हिरण्यकश्यपु इतना आनंदी हो गए, इतना आनंदी हो गए कि आहा, अभी तो मैं ही भगवान हूँ, मैं अब मेरे को कोई मार ही नहीं सकता। आहा। और तभी प्रहलाद भी बड़ा बड़ा होता गया, वो 5 साल का हो गया। और प्रहलाद इतना शांत समाधानी था, सिर्फ वो नारायण नारायण ऐसा भगवान विष्णु का रोज जाप करता था। और फिर हिरण्यकश्यपु ने सब लोगों को परेशान करना शुरू किया। फिर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पूछा, बेटे तू तो इतना शांत क्यों रहता है, तेरे को कुछ खिलौने विलौने नहीं चाहिए क्या? फिर प्रहलाद ने कहा, पिताजी मैं तो बहुत ही शांत हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। फिर हिरण्यकश्यपु ने कहा, पर क्यों, तेरे पास ऐसा क्या है कि तू इतना शांत है? फिर प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरे पास मेरे भगवान विष्णु है, वो मेरा रक्षण करते हैं। तो तभी हिरण्यकश्यपु इतना गुस्से में आ गया और उसने कहा, ए तू वो विष्णु का क्यों नाम ले रहा है, मेरा नाम ले, मैं तेरा भगवान हूँ। फिर प्रहलाद ने कहा, पिताजी अब भगवान हो ही नहीं सकते क्योंकि आप सिर्फ मार सकते हो, आप किसी को जिंदा नहीं कर सकते। अगर आप भगवान होते तो आपने अपने भाई हिरण्याक्ष को जिंदा क्यों नहीं किया? फिर हिरण्यकश्यप इतना गुस्से में आया। और तभी एक सरदार आ गया और उसने हिरण्यकश्यप को एक आइडिया बता दी। फिर सरदार ने हिरण्यकश्यपु को आइडिया बता दी कि भगवान विष्णु अपने भक्तों के रक्षण के लिए आते हैं, फिर हम उसके भक्तों को इतना परेशान करते कि वो अपने भक्तों को बचाने के लिए आएगा, तभी हम उसको मार देंगे। फिर हिरण्यकश्यपु को कोई आइडिया पसंद आ गई। फिर तभी से वो असुर लोग सब भक्तों को परेशान करना शुरू किया। और दोस्तों मालूम है क्या, वो सब असुर लोग प्रहलाद को भी छोड़ा नहीं, वो भी तो नारायण नारायण करता था ना। फिर सब असुर लोगों ने प्रहलाद को भी मारने का बहुत ट्राई किया। तो उनका पहला प्लान था कि उन्होंने प्रहलाद को लेकर घने से जंगल में आ गए और प्रहलाद को सिंहों के सामने छोड़ दिया। और फिर उनको लगा कि अरे अब तो सिंह उसको खा लेगा। हा। पर तभी भी वो प्रहलाद शांति से नारायण नारायण ऐसा चालू ही था उसका। फिर सिंह आ गया जोर जोर से। पर दोस्तों क्या आश्चर्य हुआ, वो सिंह उसके पैर में से झुक गया।
और वो शांति से नारायण नारायण सुनने लगा। और फिर सब असुर लोग चौंक पड़ गए, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने एक दूसरा प्लान किया, उन्होंने प्रह्लाद को लेकर समुंदर में आ गए और प्रह्लाद को उसके पेट में बड़ा सा पत्थर बांध दिया और उन्होंने उसको समुंदर में ढकेल दिया, छोड़ दिया। और फिर उनको क्या लगा, अरे अब तो डूब ही जाएगा, मर ही जाएगा, अब तो उसे कोई बचा ही नहीं सकता। पर लेकिन फिर से आश्चर्य हुआ, वो जब वहां से एक बड़ी सी डॉल्फिन प्रह्लाद को पीठ पर लेकर किनारे पर छोड़ दिया। और फिर सुर लोग तो चौंक पड़ गए, अरे हम तो परेशान हो गए, कैसा लड़का है, मरता ही नहीं, इसको कौन हेल्प करता है। और फिर उन्होंने तीसरा प्लान किया, उन्होंने प्रह्लाद को लेकर बड़े से पहाड़ी पर चढ़ गए और उसको खाई में छोड़ दिया। अब तो उनको लगा कि अरे इसकी तो हड्डी मोड़ जाएगी, इसको तो कोई हेल्प ही नहीं कर सकता। और फिर से आश्चर्य हुआ, प्रह्लाद जब गिर रहा था वो स्लोली से नीचे आ गया। तो दोस्तों ऐसे प्रह्लाद को कौन हेल्प कर रहा है, जो लोग भगवान विष्णु का जाप करते हैं, भगवान विष्णु उनकी हेल्प करने के लिए आते हैं। तो अब तो उस लोग फिर से चौंक पड़े, अरे कैसा लड़का है, हमको बहुत परेशान पड़ गए। अब तो उन्होंने चौथा प्लान किया, मालूम है क्या चौथा प्लान किया, कि उन्होंने उसको प्रह्लाद को लेकर वो काल कोठड़ी में प्रह्लाद को बंद कर लिया। और दोस्तों मालूम है कि वो काल कोठड़ी में इतने बड़े बड़े सांप नाग होते थे। अब तो उनको लगा कि अरे अब तो सांप इसको खा लेंगे। पर फिर से आश्चर्य, प्रह्लाद तो शांति से नारायण नारायण चालू ही था, सब नाग उसके गले से आ गए और शांति से बैठ गए और वो नारायण नारायण सुनने लगे। अब तो सुर लोग पागल हो गए, अरे अब तो परेशान हो गए, अब तो महाराज हमको छोड़ेंगे नहीं। फिर हिरण्यकश्यपु को इतना गुस्सा आया, अरे कैसा लड़का है, मरता ही नहीं है। और फिर हिरण्यकश्यपु ने प्रह्लाद को घसीट कर भरी सभा में ला लिया और हिरण्यकश्यप ने जोर से कहा, तेरा विष्णु कहाँ पे, मेरे को क्यों नहीं दिखता, हमको क्यों नहीं दिखता। फिर प्रह्लाद ने कहा, शांति से कहा, पिताजी वो ये मुझ में है, आप पे है, पूरी चराचर सृष्टि में है, वो आपको दिखती नहीं क्योंकि आपको बहुत अहंकार है। फिर हिरण्यकश्यपु को इतना गुस्सा आया, अच्छा फिर तेरा विष्णु इस खंबे में है क्या। तो फिर प्रह्लाद ने कहा, हाँ क्यों नहीं। फिर तभी हिरण्यकश्यपु ने उस खंबे को जोर से लात मार ली और दोस्तों मालूम है कि उस खंबे से काड़ 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 कर आवाज आ गई और उस खंबे से एक अद्भुत आदमी बाहर आ गया। ना वो
नर नारी था ना वो पशु था। उसका मुंह सिंह का था और उसकी बॉडी आदमी जैसी थी। और उसका नाम नरसिंह था और वो इतना गुस्से में था कि क्योंकि इस हिरण ने कश्यप ने सब मेरे भक्तों को यानी प्रहलाद को बहुत ज्यादा परेशान किया है। और फिर नरसिंह ने हिरण ने कश्यप को घसीट कर ले लिया और घर या बाहर के जो बीच में दहली रहती ना उसके ऊपर बैठ गए और हिरण ने कश्यप को अपने जाम में सा ले लिया। और नरसिंह ने कहा, देख हिरण्य कश्यप, अब मैं तेरे को कैसा मारूंगा, ना मैं नर नारी हूँ ना मैं पशु हूँ, ना अभी दिन ना रात है, अब अभी तो शाम है, ना मैं तेरे को शस्त्र से मारूंगा ना अस्त्र से मारूंगा, ना मैं तेरे को जमीन में मारूंगा ना आकाश में मारूंगा, ना मैं तेरे को घर में मारूंगा ना बाहर में मारूंगा। फिर तभी नरसिंह ने अपने इतने बड़े बड़े नाखून ले लिए और हिरण कश्यप का पेट जो ऐसा फाड़ दिया। फिर तभी हिरण कश्यप मर गया। और तभी तो नरसिंह इतने गुस्से में था, फिर प्रह्लाद ने नरसिंह को शांत कर लिया। और दोस्तों मालूम है क्या, वो नरसिंह कौन थे, वो भगवान विष्णु ही थे। फिर वो अपने रियल रूप में आ गए और प्रह्लाद को अपने अपने अम्मे जाम में शांति से ले लिया। तो बोलो भगवान विष्णु की जय, नरसिंह अवतार की जय, भक्त प्रह्लाद की जय। तो दोस्तों वो कैसा लगा मेरा वीडियो, तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। और कमेंट कीजिए कि हमें नेक्स्ट वीडियो में कौन सी स्टोरी लाऊंगा। तो बाय। नारायण 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 नारायण।